सांसद महोदय यहाँ चुनाव में भी आए हुए थे और आज भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और कि यहाँ की जो भी जनता है, जनता के साथ इनका कुछ वादा था, और क्या वादा था कि चुनाव में हम जीतेंगे तो ज़रूर आएंगे, लेकिन ये अपना वादा को अभी भी याद करते हुए इस नई जो की नगरी में ढाबी, जो यहाँ से महज 50 से 60 मीटर गंगा की दूरी है, यहाँ पर सर आए हुए हैं। सर, आपका भोजपुरी समाचार में स्वागत है, और यहाँ पर इतना स्वागत, इतना ग्रामीण जनता सब आपकी याद को तारो ताजा करते हुए यहाँ पर जयकारे नारे लगाए, स्वागत किए सर। तो सर, इन लोगों के लिए सर, हम लोगों की जो गंगा के किनारे बसे हुए वो बहादुर साथी जो कठिन परिस्थितियों में हमेशा रहे हैं, इनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए व्यापक स्तर पे गंगा के कटाव का सवाल हो, या इन गांवों तक जो पक्की सड़कों का निर्माण का सवाल हो, या यहाँ पर बिजली की व्यवस्था का सवाल हो, एक तमाम सवाल जो अधूरे पड़े हैं काफ़ी दिनों से, इनको हम लोग पूरा करेंगे। और इसी के लिए हम लोग एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए चुनाव के बाद हम लोग आए हैं, और इन लोग को आश्वासन देने के लिए कि आप अपने को अकेले नहीं महसूस करें, हम लोग आपके साथ हैं और इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। ये गांव जो है हर साल, ये बक्सर जिले का ऐसा एकलौता गांव है सर कि गंगा के किनारे बसा हुआ है, और प्रति साल भयंकर से भयंकर बाढ़ में ये लोग का घर में सर पानी घुस जाता है, यहाँ तक कि विषैले जानवर भी इनके साथ घुस करके दोस्ती बना करके सर रहते हैं, लेकिन आज तक इनके आंसू पोंछने के लिए लोग कभी इनको याद नहीं किया सर। इस बात पर सर क्या कहेंगे इनके लिए? जो पहले वाले नहीं याद करते थे, 24 साल से जो सांसद थे भाजपा के लोग, तो ये दुखद था। वो बाहरी लोग थे, उनका कोई लगाव नहीं था इस इलाके से, और ढाबी क्या पूरे बक्सर लोकसभा में जहाँ प्लेन लैंड भी है, जो समतल भूमि पर रहने वाले लोगों के साथ भी उनका कोई भावनात्मक संबंध लगाव नहीं था, जिसके चलते उन लोगों का आना जाना और काम के बारे में सोचना नहीं, सोचना तो दूर था। ये चीज़ें समाप्त हम लोग कर रहे हैं, आप देख भी रहे हैं कि एक महीना चुनाव बीतते बीतते हम लोग आए हैं, तो ये हम लोगों का पूरा भावनात्मक लगाव है इस घर परिवार का, तो इनकी कठिनाई हमारी कठिनाई जो दोनों की संयुक्त कठिनाई है, कोई अलग कठिनाई नहीं है, इसका समाधान करेंगे हम। अभी सर देखा जा रहा है यहाँ पर कि प्रति साल गंगा में भयंकर से भयंकर कटाव हर साल होते हैं, अभी भी कटाव जारी है सर, और प्रशासन के लोग यहाँ आते हैं, लेकिन सर इस पर कोई ठोस कार्रवाई आज तक कटाव के लेकर के नहीं हुई सर, इस पर हम जानना चाहेंगे सर आप। हम लोग इसको करेंगे, नीतीश कुमार के राज में तो 5,000 करोड़ के पुल ढह रहे हैं, यहाँ तो कटाव हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि जो पटना में बैठे लोग हैं उनके विकास उनके लिए एजेंडा नहीं है, उनके लिए कैसे सरकारी साधनों का लूट हो वह एजेंडा में है। उस संस्कृति को हम लोग बंद करेंगे, लूट की संस्कृति को, और वास्तविक धरातल पे काम बेहतर हो इसका उपाय करेंगे। तो यहाँ पर धरातल पर काम सर होगा? निश्चित तौर पर धरातल पर काम होगा, बेहतर काम होगा, आप देखेंगे। कटाव के लिए सर क्या? कटाव के लिए हम लोग गंगा कटाव के लिए दिल्ली के से भी बात करेंगे, भारत सरकार से भी बात करेंगे, और राज्य सरकार से भी बात करेंगे कि इसके लिए आप व्यवस्था करें, कटाव रोकने के लिए जो तरीका है उसके लिए बोल्डर पिचिंग की तरीका है, जिससे कि पानी और मिट्टी से बचाव किया, मिट्टी और पानी के बीच में एक दीवार के रूप में जो बनता है बोल्डर पिचिंग जिसको कहते हैं, तो करवा देने से इसका इलाके का बचाव होगा। अभी सर आपके यहाँ जो कार्यक्रम था, कार्यक्रम में यहाँ के उत्तरी मेहनत पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि वीरेंद्र जी जो है कुछ सूत्री मांगे यहाँ पर रखे हैं, उसमें सर स्वास्थ्य केंद्र है और नैनी जोर से लेकर के ब्रह्मपुर की जर्जर सड़क है सर, जो अभी इसी रास्ते से गुजर करके सर आए हैं, और हमारे माननीय विधायक महोदय ने वहाँ पर रोक करके आपको सर दिखाया भी है, तो सर इस सड़क के लिए क्या संदेश होगा लोगों को? ये सड़क बनेगी, मजबूत सड़क बनेगी,
आप देखेंगे कि बरसात के बाद इसमें निर्माण लगेगा और मजबूत सड़क बनेगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं। तो हमारे सांसद महोदय यहाँ पर उपस्थित हैं और यहाँ पर काफ़ी संख्या में यहाँ के पंचायत के लोग इकट्ठे हुए हैं, सर का भाषण भी सुने और इनके द्वारा लोगों को आश्वस्त किया जा रहा है कि बहुत जल्द ही विकास देखने को यहाँ पर मिलेगा। ऐसे यहाँ पर लोगों द्वारा विकास पुरुष के नाम से भी जयकारे लगे हैं, तो देखना है कि सर जो यहाँ पर अभी आज बारिश का समय है, यहाँ पर पहुँचने के लिए बहुत संघर्ष के साथ सर रास्ते इतने जर्जर कि लोग पैदल चलना भी मुश्किल समझते हैं, लेकिन इस विषम परिस्थिति में भी सर कि गाड़ी जो है यहाँ गंगा घाट के ढाबे तक पहुँची है और इनके द्वारा जो है विकास के जो मुखिया के द्वारा भी मांग की गई, कई सूत्री मांग दी गई, इसमें स्वास्थ्य केंद्र है, ब्रह्मपुर की सड़क है, गंगा की कटाव है, इन सारी मांगों को सर ने इन सभा में सब लोग को आश्वस्त किए हैं कि बहुत जल्द ही इस कार्य को पूरा किया जाएगा। जी सर, सभी हम काम करो, नौ सूत्री हमारा मांग है इनका, सभी मुद्दों पे काम करें। तो सर सभी मुद्दों पर काम करेंगे और सर कुछ उम्मीद कब तक लोग इस आशा की राह को देखेंगे? सर कई योजनाएं हैं जो कई स्तर पे होंगी, सड़कों को मैंने कहा ना बरसात के बाद, और जो गंगा में कटाव है इसको भी हम लोग जल्दी ही कि अगले कटाव से अगली बारिश से पहले, क्योंकि बारिश में कोई काम होता नहीं है, अगले बारिश से पहले कटाव रुके इसकी व्यवस्था करेंगे। तो हम यहाँ ब्रह्मपुर प्रखंड के उत्तरी नैनी पंचायत के ढाबी गंगा किनारे से भगत सिंह जिंदाबाद 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 होया जाओ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।